राजन भैया, भैया वो कहाँ गई? भैया ध्यान से देखो भैया, भैया आपके पीछे देखो भैया, जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारुटिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज से पहले दो दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी मेरी, इसी लोकेशन के ऊपर मैं आया था और जो पीछे की वजह थी यहां पे आने की वो मैंने सारी उस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी दी थी। ये लोकेशन मेरे लिए चैलेंज बन चुकी है क्योंकि वो लड़की पता नहीं है मुझे धोखा दे रही है या क्या दे रही है, मगर आज मेरे किशन भाई इस लड़की के कारण आज वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। उनके कान का पर्दा एक पर्दा फट चुका है क्योंकि जो चीख की आवाज थी वो असहनीय थी, इतनी खतरनाक थी कि मैं खुद सहम गया वहां पे। मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या नहीं होने वाला है। मैं इस लोकेशन पे दोबारा इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे सीने के अंदर सवाल गूंज रहे हैं। वो लड़की आखिर चाहती क्या है? वो धोखा देना चाहती है या क्या करना चाहती है? जब भी उस लोकेशन पर जाता हूं हम हमेशा, भले मेरे साथ में कैमरामैन हो, चाहे मैं हूं, चाहे और कोई हो, हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं। मगर ये लोकेशन मेरे लिए दोस्तों चैलेंज बन चुका है, मैं धूम दबा के इस लोकेशन से भागने वाला नहीं हूं। मुझे जवाब चाहिए, क्या कसूर था किशन जी का इस लोकेशन के ऊपर जो मेरे साथ में उस माँ को मुक्ति दिलाने के लिए आए थे? आखिर वो बच्ची चाहती क्या है, अपनी माँ की मुक्ति या हमारी मौत? मुझे पता नहीं है दोस्तों। कोई इस वीडियो को देखे या नहीं देखे, कोई मुझे गाली दे या ना दे, उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ना। बस मेरे लिए ये लोकेशन अब एक चैलेंज बन चुकी है। इस लोकेशन के ऊपर मैं कसम खाता हूं जो किशन जी के साथ में हुआ है उसका बदला लूंगा मैं, भले मेरी जान चली जाए। और आज मेरे भाई राजन मेरे साथ में कैमरे के ऊपर है। जब राजन भाई को मैंने फोन कॉल करा कि आज किशन जी की ये कंडीशन है, बिना सोचे समझे अपने परिवार वालों को बताए बिना यहाँ पे दौड़ के आया भाई मेरे लिए। और जब मैंने राजन भाई को स्थिति बताई कि ये स्थिति है वहां पे, तो इससे भी रहा नहीं गया कि जितेंद्र भैया भले मेरी मौत हो जा, मगर मैं आपके साथ में इस लोकेशन पे किशन जी का जो बदला है वो लेने के लिए जाऊंगा। दोस्तों मैं आज पहले बार कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि किशन जी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मेरी हिम्मत के लिए नहीं कह रहा हूं, किशन जी के लिए कर देना, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था इस लोकेशन पे जाने के लिए। एक माँ को मुक्ति दिलाने के लिए आए थे, वो भी मेरे कारण, क्योंकि वो बच्चे बार बार मुझे आके बोल रही है मेरी माँ को मुक्ति दिलाओ। मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है यहाँ पे। चले राजन भाई, ठीक है राजन भाई? भैया ध्यान से आराम से, है ना? बिल्कुल। और जो सेफ्टी दी है मैंने, जो गुरुदेव से तू लेके आया था, वो उसको जेब में रखना, जेब में ताबीज है वो गले से दूर मत करना, ठीक है? और दोस्तों ये हाथ में देख रहे हो, ये जो इसमें मैंने एक छोटा सा छेद कर रखा है क्योंकि गुरुदेव ने राजन को केके भेजा है। ये जहां जहां चलते जाओ यहाँ से हल्की हल्की ये जो बबूत है वो गिरती रहनी चाहिए। ये बबूत तुम्हें बचाएगी और ये बबूत उस जो माँ है उसको मुक्ति दिलाएगी। तुझे बस कैसे न कैसे करके उस कब्र तक पहुंचना है और ये बबूत वहां पर डालनी है। जो भी राज होगा वो सामने आ जाएगा। आज उस कब्र पे पहुंचने के बाद में पता नहीं कौन से राज सामने आने वाले हैं। इस वीडियो पे बने रहे, इसकी वीडियो को मत करना। अगर आपको लगता है कि मैं ये काम सही कर रहा हूं तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अजय भाई ध्यान रखना, जो भी सेफ्टी है जो भी है यहां तक है, इसके आगे जाने के बाद में वो लड़की किसी को भी धोखा दे सकती है। अब आज मैं उसकी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं उसको मुक्ति दिलाने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं आया हूं किशन भाई के लिए। और वो जो राज है आखिर वहां पे ऐसा क्या है मुझे पता नहीं है, वो सच सामने लाना है मुझे बस। यार सेफ्टी से आराम से, है ना? बिल्कुल।
की भौंकने की आवाज। दोस्तों आज इतने दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये क्या था भैया? राजन डरने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। या तो आज मेरे गुरुदेव की ताकत या फिर उसकी ताकत। बहुत जनों को धोखा दे चुकी है ये बच्ची। भैया आराम से थोड़ा, आवाज देखो भैया, कुत्ते की रोने की आवाज आ गई। राजन कैमरा इस साइड में भी घुमा लेना, इस साइड में भी घुमा लेना। वो बच्ची धोखेबाज है, वो बच्ची धोखेबाज है, वो कहीं पे भी दिखेगी। आज मैं ये बबूत उसके ऊपर छिड़कूंगा। सबसे पहले उस धोखेबाज बच्ची को इस दुनिया से मुक्ति दिला दूंगा मैं। कईयों को वो खतरे में डाल चुकी है, जहां पे भी हो सामने आओ। आ जाओ भाई, भैया आराम से धीरे धीरे। भैया कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। राजन राजन सबसे पहले अपने जो डर है ना उस पर काबू कर। मैं कह रहा हूँ जो सेफ्टी गुरुदेव ने बना के दिए। आवाज भैया, आवाज पे ध्यान मत दो बिल्कुल। आज मैं वो बच्ची दिखेगी तो उसके ऊपर ये बबूत डालूंगा, पास में जाके डालूंगा। दुनिया से उस धोखेबाज बच्ची का नामो निशान मिटा दूंगा मैं आज। हमेशा मैं तुम्हें बेटा बेटा बोल के वो सामने आने के लिए बोलता हूँ, मगर आज मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। आखिर तुम चाहती क्यों, क्यों बार बार मुझे आके परेशान करती हो? क्या तुम चाहती नहीं हो कि मैं अच्छे से जी सकूं? और मैंने ऐसा कौन सा कसूर करा है? राजन राजन कैमरा चारों तरफ घुमाते रहना, देख भाई। मैं माँ को तो माँ के पुकारूंगा, मगर मैं उस बच्ची को धोखेबाज कहूंगा। माँ माँ होती है, मैं उस माँ को ये कहना चाहता हूँ, आखिर तुम दोनों मुझसे चाहती क्या हो? मेरा किशन जी का क्या कसूर था? मुझे बता तुम यहाँ पे मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रही हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे एरिया में आऊं? और मैं आऊंगा, मैं आज लौट के जाने वाला नहीं हूं यहां से। आज तुम्हारी कब्र के ऊपर मेरे गुरुदेव की दी हुई बबूत थड़क के जाऊंगा। राजन ध्यान रखना भाई, राजन भैया ध्यान रखना। हाँ डर पे काबू, सबसे पहले डर पे काबू। राजन तेरे पीछे क्या है? पीछे क्या? पीछे क्या? वो है मुझे पता है तुम मेरे आसपास हो, मुझे पता है तुम मेरे आसपास हो, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगी। राजन राजन सामने भैया, भैया ओ भैया, चाल है वो बच्ची आज फिर नहीं दिखाई नहीं दे रही है, केवल उसकी माँ दिखाई दे रही है। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे पास में हूँ। भैया ज्यादा पास में मत जाना। आ गया हूँ राजन। भैया थोड़ा सेफ्टी से। बिल्कुल राजन। भैया आपके पास आके तुम चाहती क्यों? रुक जाओ, भैया आपके पास ताबीज है ना? भैया ताबीज है मेरे पास, हाथ का इशारा देखो उसका। और जैसे आगे आया ना घूम गई,
ऐसा लग रहा है कहीं पे लेके जाना चाहती है वो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कब्र तक पहुंचूं और तुम्हें शांति दिला दूं, तुम्हारी बच्ची को और तुम्हें? भाई दिख रही है? दिख रही है भैया। कैमरा में भैया वो कहां गई? आ गया जो कहीं नहीं गई, वो यही है। भैया ध्यान से देखो, मेरी आवाज सुन रहे हो? भैया धीरे आराम से। ओ भैया उसी पेड़ के पास में खड़ी हुई है जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा है। दोस्तों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? हमेशा आके यहाँ अटक जाता हूँ। आप उस पेड़ को देख सकते हो, वहीं पे जाके खड़ी हो गई वो। सबसे पहले मैं आज, मुझे पता नहीं है, मैं इतना श्योर हूँ इसका पता नहीं है, मगर वो बच्ची जरूर धोखेबाज है। अगर वो बच्ची धोखेबाज नहीं होती तो आज वापस वो मेरे सामने आती। ये माँ अपने पास में आने क्यों नहीं दे रही है? क्या कसूर था किशन जी का मेरा, तो इतना बुरा चिल्लाई जो कान फाड़ दिए किशन जी के। राजन भैया आराम से। राजन भैया ज्यादा आगे मत जाओ। हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, एक मिनट। भैया कुछ चाल हो सकती है इसकी? राजन गुरुदेव पे ज्यादा गुरुदेव की जो ताकत है उस पे ज्यादा भरोसा है या फिर इस पे भरोसा है? पहले गुरुदेव की ताकत पे भरोसा है भैया। बस तो घबरा मत। और एक चीज जो मैंने गलती करी, मुझे रियलाइज हो रही है कहीं ना कहीं, इसके आगे जाने के बाद में खतरा है। मैं यहाँ खड़ा होके कुछ भी बोलूंगा ना, और जो बबूत और जो ताबीज अपने पास में है कुछ भी नहीं हो सकता। मगर इसने जो गुस्सा करा था उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा हाथ है। एक हड्डी मिली थी यहाँ पे मुझे, वो हड्डी उठा के और मैंने इसके पास में फेंकी थी। हो सकता है ये उसी के कारण इतना गुस्सा कर रही थी उसने, क्योंकि इन चीजों का भरोसा नहीं है। ऐसी चीजें फेंकना बहुत गलत है। मुझे मेरी गलती, देखो माँ मुझे मेरी गलती रियलाइज है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। मैं यहाँ बार बार इसलिए आ रहा हूँ ताकि आपकी आत्मा को यहाँ से मोक्ष मिल जा, मुक्ति मिल जा। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वो बच्ची जो मेरे घर तक पहुँच गई थी वो कहाँ है? प्लीज कोई इशारा दो, वो कहाँ है? क्या वो हमें धोखा दे रही है? क्या वो नहीं चाहती है कि मैं आपको शांति दिला दूं? राजन जो होगा जो देख लेंगे। राजन। हाँ भैया। आगे जाता हूँ मैं। भैया आराम से, सेफ्टी से देखो, ज्यादा आगे मत जाओ। भैया मेरा कहना ये है, राजन जिस काम के लिए आया हूँ वो काम कैसे होगा फिर? चलो राजन एक काम करना। हाँ भैया। यदि यहाँ पे कुछ भी होता है बिना सोचे समझे यहाँ से भग जाना। नहीं भैया मैं आपको छोड़ के नहीं भग सकता। किशन जी के जो साथ में जो हुआ ना, उससे मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है भैया। वो चीज मुझे सुन के बहुत बड़ा। मैं तेरे को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ राजन, समझ। कोई चीज को बहुत ज्यादा शक्तिशाली चीज है ये। नहीं साथ में चलेंगे तो, वरना यही मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी का ताबीज है अपने पास। एक काम कर, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ आप भी। एक काम कर, अगर मुझे थोड़े से भी संकेत मिलते हैं गलत, तो मैं यहाँ से जब मैं भगूं मेरे साथ साथ भग लेना। ठीक है भैया। मैं आपको आपकी बच्ची की कसम खा के खिला के बोल रहा हूँ, और आपके बच्चे की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको केवल मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। क्या आप जहाँ पे खड़े हो वही आपकी कब्र है? भैया यही है, यही कब्र है, इसी पेड़ के नीचे कब्र है, इसका इशारा आ चुका है। क्या आप चाहते हो कि ये बबूत सड़क के और मैं आपको यहाँ से मुक्ति दिला दूं? क्या आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो यहाँ से पीछे हट जाओ, मैं आपको आपकी बच्ची का वास्ता देता हूँ। आपको बजरंगबली की कसम है, पीछे हट जाओ आप। भाई भैया पीछे जा रही है। भाई मुझे पता नहीं है, इसने जो इशारा संकेत दिया ना, हो सकता है धोखेबाजी का भी हो सकता है इसकी कब्र नहीं हो, मगर कहीं ना कहीं जो मैंने बातें कही, हो सकता है कुछ भी, हो भी सकता है। यहाँ पे अपन सबसे पहले ये ट्राई करते हैं, ये डालते हैं, अगर इसके डालने से अगर कुछ भी होता है तो समझ लेना इसकी कब्र यहीं पे।
ठीक है भैया। खोदना करना सब बात का काम है, पहले सबसे पहले ये बबूत वहां डालते हैं अपन। ठीक है भैया। अजन कैमरा को मंगा के देख ले एक बार आगे पीछे किस तरफ, क्योंकि ये छलावा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा छलावा हो चुका पहले। कैमरा घुमा के देखा? हाँ भैया। बच्ची तो नजर नहीं आ रही है ना? नहीं भैया, बच्ची नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ धोखा है अभी भी। मगर मैं फिर भी ट्राई करूंगा, गुरुदेव ने बोला जैसे ही बबूट डालेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ संकेत मिल जाएंगे तुझे। भैया आराम से, हमेशा यही आके खड़ी होती है, यही राज है कुछ न कुछ, हो सकता है इसकी बॉडी यही दफन हो। दोस्तों जो मैं करने वाला हूं क्या वो सही है या नहीं है कमेंट के अंदर बताना, मुझे पता नहीं है यहाँ ये बबूट डालने के बाद में क्या होने वाला है। सबसे मेन बात है राजन, जूते लेके नहीं जा सकते ऐसी जगह, नहीं तो अपने को खतरा हो सकता है। भैया दूर से डाल दो ना। हे गुरुदेव संकेत देना, ये कबर उसकी है। भैया भैया बाहर, भैया बाहर, भैया 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 आगे देखो, भैया आगे देखो, आगे देखो, भैया भैया आगे देखो, बाहर निकल, बाहर निकल। राजन बड़ा बड़ा राजन, वो क्या था? जिन जिन था वो, पहले भी देख चुका हूं उसको मैं, मौत मौत ही राजन, मौत है राजन। भैया फंस गए अपन। भैया किधर? तीन बजे तक फंस गए अपन, 3 बजे तक इस जंगल में जिधर भी जाएंगे ना इधर धोखा है, धोखा है ये। राजन अपने आप को बचाने के लिए कोई जगह देखनी पड़ेगी सेफ। आ गयो भैया आराम से। राजन साथ मत छोड़ना मेरा। हाँ भैया आराम से, आराम से, राजन दूरी है उस रास्ते में, यह खतरा यहाँ कोई खतरा नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया भैया। वो क्या था भैया? जिनका अटैक है ये राजन, अगर उसके पास में चले जाता है मौत पक्की थी अपनी। जिनका जो अटैक होता है ना उसके अंदर सुरक्षा भी काम में नहीं आती है, अपने को फंसाया गया है। राजन 3 बजे तक यहीं बैठ कर इंतजार करना अपने को। भैया मुझे डर लग रहा है भैया। राजन तू बैठ जा नीचे, 3 बजे तक। भैया आवाज देखो भैया, मुझे पता नहीं है कौन है। राजन आवाज सुन भैया,